हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम क्रिस। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मैं एक प्रोडक्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज का जो प्रोडक्ट है गाइस, वो है बेला वॉस्टे एक्वा मेकअप रिमूवर। एंड इसका मैंने हॉल वीडियो शेयर किया था आप लोगों से, उसके बाद आप लोग बोल रहे थे दीदी इसका रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। तो मैं आ गई हूँ उसका रिव्यू लेके। एंड फर्स्ट मैं आपको बता दूं, जो बेस मेकअप होता है हमारा, वो इजीली कोई भी मेकअप रिमूवर रिमूव कर देता है। बट जो आई मेकअप होता है या लिप मेकअप होता है, वो वाटरप्रूफ ही होता है ज्यादातर। उसको कैसे रिमूव करते हैं, ये कैसे रिमूव करता है, तो मैंने जो है आज अपना मस्कारा वाटरप्रूफ लगा रखा है, प्लस जो मेरा लिपस्टिक है वो भी वाटरप्रूफ है। तो मेरा जो लिपस्टिक वो शुगर की स्मज बी नॉट लिक्विड लिपस्टिक, एंड जो मैंने मस्कारा लगा रखा है वो मेबेलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम मस्कारा है, जो अगेन वाटरप्रूफ है। सो ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है वाटरप्रूफ है। बाकी बेस मेकअप मेरा नॉर्मली ही दिया हुआ है, तो ये तो रिमूव कर ही देगा। बट मैं इन दोनों के बारे में सोचूं कि आईज मेकअप एंड मेरा जो लिप मेकअप है वो इजिली रिमूव होगा कि नहीं होगा, देखेंगे आज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, बेला वॉस्टे का ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जो मैं ट्राई कर रही हूँ। बट ये कि इसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, तो मैं सोचूंगी फ्यूचर में अगेन ट्राई करने का सोचूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड या गाइस, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रिव्यू से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी पैकेजिंग से। सो इसकी आउटर पैकेजिंग हमें बहुत ही अच्छी ब्लैक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मिलता है, एंड ये है मैट ब्लैक, एंड आपको इसमें सारी चीजें सिल्वर में मिलती है लिखी हुई, जो इस पैक को बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस बना देता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है बेला वॉस्टे एक्वा मेकअप रिमूवर। सो इसमें हमें 100 ml का पैक मिलता है। सो इसमें लिखा हुआ है ये आपकी स्किन को क्लीन करता है एंड आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। आप इसे क्लीन करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होगी, एंड अगर आप फेस वॉश नहीं करते तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये वाटर बेस्ड फॉर्मूला है इसका। सो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, तो आप मेकअप अगर रिमूव करते फेस वॉश नहीं करते हैं तो चल जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी गाइस, आप कभी भी मेकअप रिमूव करें, चाहे किसी से भी कर लीजिए, बट आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, ताकि कोई भी एक भी कण अगर रह गया हो मेकअप का, वो बहुत अच्छे से धुल के बाहर चला जाए। सो इसकी प्राइस गाइस 299 rupees MRP, बट ये मुझे पर्पल पे बहुत अच्छा सा डिस्काउंट में मिला था, ये मुझे 194 का रिसीव हो गया था। सो इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये गाइस जनवरी 2019, जो अभी जैन में ही बना है, एंड इससे आप आराम से 2021 तक यूज कर सकते हैं, दिसंबर 2021 तक आराम से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दी हुई है इसकी, इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स का यूज किया गया है, एंड इसमें यूज करने का तरीका भी बताया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दी हुई है उसकी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस कि इसको आपको जेंटली अपने कॉटन पैड पे लेना है, एंड इसको कुछ सेकंड के लिए जहाँ पे भी मेकअप किया हो, लाइक आई मेकअप हो, चाहे लिप मेकअप हो या फेस मेकअप हो, थोड़ी देर के लिए आप जो है थोड़ा सेकंड के लिए आप रख लीजिए अपने उस जगह पे, एंड जेंटली आपको उसको वाइप कर लेना है, आपको इसे रगड़ना नहीं है। सो यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है। सो ये है डेलिकेट ऑन स्किन, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, रिजुवेनेट स्किन, एंड ये है गाइस यहाँ हाईली देख लीजिए आप, ऑल स्किन टाइप के लिए है, बिकॉज अपने स्किन टाइप के लिए ढूंढना तो बड़ी मुश्किल का काम है। सो ये ऑल स्किन टाइप के लिए जो बहुत ही ज्यादा सही रहता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसे ओपन करके बता देती हूँ। सो एक्चुअल जो हमारा प्रोडक्ट है गाइस, वो कुछ व्हाइट कलर की बॉटल में आता है, जो वो है ब्लैक मिलता है, अंदर से जिदी बाबा की तरह ये व्हाइट निकल रहा है। सो ये आराम से आप नोटिस कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कितना जो है फिनिश हुआ है, नहीं हुआ है। सो आराम से दिख जाएगा आपको, बार बार इसको शेक करके पता नहीं करना पड़ेगा कितना प्रोडक्ट बचा है, नहीं है देखना पड़े। सो सारी चीजें इसमें अगेन मेंशन है, जो भी चीजें आउटर पैकेजिंग पे मेंशन थी सारी चीजें इनर पैकेजिंग पे भी मेंशन है। वो अगर खो जाए आपका प्रोडक्ट का बॉक्स, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, सारी की सारी इसमें मेंशन है। सो इसकी पैकेजिंग गाइस बहुत ज्यादा स्टडी है, बिल्कुल भी फ्लिम्जी नहीं है, एंड सीरियसली बोलूं तो ट्रैवल फ्रेंडली है, बिल्कुल भी ये कहीं से भी नहीं गिरेगा आपका। एंड सच बताऊं तो इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे, बिल्कुल भी ये कहीं से भी फ्लिम्जी नहीं लगता है। एंड इसकी कैप की तो क्या बात करूं, पहले मैं बात ही नहीं करती, मैं आपको खोल के बता दूं। सो अभी आपको अच्छा सा साउंड मिलेगा, ओ देखा आपने, एंड देखा नहीं सुना आपने, एंड इसको अच्छे से लॉक भी कर सकते हैं, एंड आप देख, ओ मेरा हाथ ही छूट के बाहर चला गया, इतने अच्छे से पैकिंग है एंड बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है, कहीं से भी नहीं गिरता है, कहीं भी नहीं गिरेगा। सो पैकेजिंग वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड नेक्स्ट जो अच्छी चीज है वो है स्प्रे बॉटल में आपको मिलता है, जो आप आराम से पिस पिस करके अपने जो है कॉटन पैड में लेके इजीली रिमूव कर सकते हैं, आपको पोर नहीं करना पड़ेगा, आपको उसको प्रेस नहीं करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पिस पिस करो और ले लो। सो पैकेजिंग वाइज बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड हम देखेंगे कि ये मेकअप रिमूव कितना करता है, वही हम चेक करेंगे। सो अभी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप रिमूव करना। तो मैंने लिया है कॉटन पैड, एंड इसमें अभी मैं इसका कुछ अमाउंट ले लूंगी,
तो अभी मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखा देती हूँ। इसका ज़्यादा क्वांटिटी नहीं निकलती है, जितना ही आप निकालना चाहे उतना ही आएगा। तो फर्स्ट मैं अपनी आँखों पे ट्राई करती हूँ, तो थोड़ी सेकंड के लिए आपको अपनी आँखों पे लगे रहने देना है इसको, एंड हल्के से स्वाइप कर दूँगी। एंड आप देख सकते पूरा आईलाइनर ये आ चुका है कॉटन पैड पे। अब मैं दूसरी आँखों पे भी वही करूँगी। इसको कुछ सेकंड के लिए, लाइक 1-2 सेकंड के लिए आपको रखना है, एंड स्लाइटली आपको बहुत ही धीरे से इसको स्वाइप कर लेना है। एंड वन स्वाइप में आप देख सकते हैं पूरा मेकअप जो है रिमूव हो गया है, सिर्फ मस्कारा रह गया है थोड़ा सा। सो अब मैं पूरा फेस मेकअप जो है क्लीन कर लूँगी, बिकॉज ये इजीली रिमूव हो जाता है। सो पूरे फेस को अच्छे से वाइप कर लेते हैं हम, एंड ये बहुत ही इजीली निकल रहा है, बिल्कुल भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे। सो मैं लिप्स पे ट्राई करूँगी, तो मैं दूसरी साइड आपको करके बताती हूँ, जिस साइड बिल्कुल भी मैस नहीं है। तो भी इसको मैं हल्के से स्वाइप कर लूँगी, एंड ये लगभग जो है 89% तक निकल चुका है, एंड बाकी का भी थोड़ा बहुत मैं बाद में स्वाइप करके अच्छे से निकालूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा सा हो चुका है मेरा ये पूरा कॉटन पैड। अभी मेरा मस्कारा रह गया है थोड़ा सा, इसको रिमूव करना पड़ेगा मुझे, एंड ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, बिल्कुल भी एकदम स्टिक है, बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ है, तो ये पूरा आँखों से चिपका हुआ रहता है। एंड अगर आप काजल यूज़ करते हैं तो आप इस टाइप से अपने काजल को रिमूव कर सकते हैं। एंड ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया है, एंड अच्छे से रिमूव हो गया है ये मेकअप पूरा, बस थोड़ा मस्कारा ही जो टाइम लग रहा है। सो ये पूरा मेकअप जो है मेरा रिमूव हो चुका है, एंड आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, पूरा कॉटन पैड जो है मैस हो चुका है, एंड मेरा जो फेस है वो बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लग रहा है, लाइक बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं हो रही है। अभी फिर भी मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी। सो गाइस, मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है, एंड क्लीन करने के बाद मैंने किया टोनिंग अपने फेस को एंड मॉइस्चराइज किया अपने फेस को, एंड अभी जो है मेरा फेस एकदम क्लीन है, मेकअप नहीं है इसमें। एंड आप लोगों ने देखा कितना इजीली जो है मेरा सारा मेकअप रिमूव हो चुका है। एंड मैं आपको बता देती हूँ मेरा ओपिनियन, लाइक मुझे एक प्रोडक्ट कितना अच्छा लगा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ, जब मैं इससे अपना मेकअप रिमूव कर रही थी तो सारा मेकअप रिमूव हो चुका था, बस मेरा जो मस्कारा है वाटरप्रूफ था वो, एंड वो थोड़ा रिमूव करने में टाइम लग रहा था। एंड आप लोगों को पता है कि हम कुछ भी लगा ले रहे हैं, मस्कारा जब हम रिमूव कर देते हैं हम उसको मसल मसल के नहीं रिमूव कर सकते, बिकॉज आपके आईलैश टूट सकती है, इसलिए थोड़ा जेंटली आपको बहुत ही अच्छे से रिमूव करना होता है। सो गाइस, ये है वाटर बेस्ड मेकअप रिमूवर, ऑयल बेस्ड नहीं है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्वाइप किया तो एक ही बार में सारा निकल जाएगा, तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है आपका मस्कारा रिमूव करने में अगर वो वाटरप्रूफ हो तो, बट ओवरऑल वो पूरा रिमूव कर देता है। एंड मेरे साथ भी ऐसे ओवरऑल पूरा रिमूव कर दिया, बस थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लाइक जो आपको 5 मिनट लगते हैं उसके आई थिंक 7-8 मिनट आपको लग जाएंगे रिमूव करने में। सो मुझे इतना कोई रिग्रेट नहीं लगा, मुझे प्रोडक्ट ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक और बात ये अच्छी है कि ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी बर्न नहीं करता है, बिल्कुल भी जलन आपको नहीं होने वाली है, ना ही आपके आईज में जाएगा तो जलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्लस एक और अच्छी बात ये है कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है गाइस अमेजिंग है, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है, एंड जब भी इसे मेकअप रिमूव करोगे ना बहुत ही ऐसा ना ताजगी जैसी आ जाती है ना फेस पे, वैसा आपको लगेगा। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है यार, सीरियसली, एंड थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि थोड़ी मिट्टी सी फ्रेग्रेंस है, मुझे बहुत अच्छी लगी सी फ्रेग्रेंस। एंड कोई भी ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है कि आपको बॉदर करेगी, नहीं करने वाली है, माइल्ड सी है एंड बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है। सो आई लव दिस, एंड ओवरऑल मेरा ये जो ओपिनियन है इस प्रोडक्ट के लिए थम्स अप है मेरी तरफ से, मैं आपको जरूर से रिकमेंड करूंगी। अगर आप कोई अच्छा सा एंड थोड़ा सा अफोर्डेबल मेकअप रिमूवर चाहते हैं तो आप इसे जरूर परचेज कीजिएगा, एंड इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, तो आप वहां से जाके इसकी चेकआउट कर सकते हैं। आपको purple.com पे अच्छे से डिस्काउंट में मिल जाएगा, मुझे भी हैवी डिस्काउंट में मिला है, तो आप भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, एंड अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो आपको करना है बेल आइकन को हिट, ताकि आप मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। एंड अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिव्यू चाहिए हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसका रिव्यू करूंगी। एंड थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।